अग्निहोत्री बोले, अक्षय कुमार को मजबूरी में करनी पड़ी थी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ। 11 मार्च को थिएटर्स में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ने तहलका मचा दिया था, खूब पॉपुलर हुई। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई कर डाली। मूवी के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अब एक बयान दिया है। विवेक का कहना है कि फिल्म को बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिला, लोगों ने मजबूरी में उनकी फिल्म की तारीफ की। दरअसल विवेक अग्निहोत्री बीते दिनों एक टॉक शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सितारों का नाम लेकर विरोध किया। इनमें अक्षय कुमार का नाम भी था। विवेक से जब पूछा गया, बॉलीवुड के काफी सारे लोगों ने आपकी फिल्म की तारीफ की है, जैसे अक्षय कुमार ने, तो विवेक बोले, वो तो अब मजबूरी में क्या बोलेगा आदमी, जब 100 लोग सामने खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि द कश्मीर फाइल्स चली आपकी फिल्म नहीं चली तो क्या बोल सकते हैं। वो तो हम एक फंक्शन में थे भोपाल में, तो अक्षय को मजबूरी से बोलना पड़ गया। अक्षय ने क्या कहा था, एक इवेंट के दौरान जब विवेक और अक्षय आमने सामने थे तो अक्षय ने फिल्म की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, हम सबको देश की कहानियां कहनी है, कुछ जानी मानी कुछ अनकही अनसुनी। विवेक जी ने फिल्म बनाकर हमारे देश के बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी लहर बनकर आई जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। वो अलग बात है कि मेरी फिल्म बच्चन पांडे को डुबो दिया। अक्षय ने अनुपम खेर के काम की भी तारीफ की थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, द कश्मीर फाइल्स में आपके प्रदर्शन को लेकर अविश्वसनीय बातें सुन रहा हूँ। बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लौटना वाकई शानदार है। उम्मीद है जल्द ही फिल्म देखूंगा। विवेक रंजन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें कोई तारीफों वाले मैसेज मिले, तो उन्होंने कहा, पीछे कोई नहीं बोलता, एक आदमी ने मुझे मैसेज नहीं किया। सब लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने जाते हैं और मीडिया वाले उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो उन्हें मजबूरी में कुछ बोलना पड़ता है, पर अपने आप अपने मन से किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसा कि हमने बताया, द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसी के अगले हफ्ते यानी 18 मार्च को अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे रिलीज हुई थी। इसके बाद कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस बिजनेस काफी अच्छा रहा, लेकिन बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई थी। फिल्म की सक्सेस के बाद विवेक ने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, वो अब दिल्ली फाइल्स फिल्म बनाने जा रहे हैं। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। मैं हूं दिशा, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।